हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज अगेन मैं एक वेट लॉस का टॉपिक लेके आई हूं, लेकिन वेट लॉस के टॉपिक के साथ ही साथ मैं आज कोई ड्रिंक लेके नहीं आई हूं, कोई डाइट लेके नहीं आई हूं, एक ऐसी चीज लेके आई हूं जो वाकई में आपके वेट को बहुत तेजी से लॉस करेगा। आपने देखा होगा कुछ कुछ लोगों के सेलुलाइट हो जाता है, फैट जम जाता है, जैसे थाइस पे, आर्म्स पे, पेट पे, और वो किसी भी ड्रिंक से नहीं जाता, किसी भी डाइट से नहीं जाता है। उसे हम सेकेंड लैंग्वेज में सेलुलाइट भी बोल सकते हैं, या फिर फैट भी बोल सकते हैं, या स्किन लूज भी बोल सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा शेप ऑयल लेके आई हूँ जो पूरी तरह होममेड है। इससे पहले भी मैंने एक जो है वो आप लोग के साथ शेप अप ऑयल जो है वो शेयर किया हुआ था, लेकिन वो विंटर के लिए ज्यादा था। तो आज समर्स के लिए बहुत ही अच्छा सा शेप अप ऑयल लेके आई हूँ। जहाँ पे भी ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी से नहीं होता है, मेनली फैट वहीं पे जमता है। तो ये जो ऑयल है, जब आप मसाज करोगे 3 to 4 minutes, 5 minutes तक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ का जो भी खून का दौरान है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन है, नहीं हो रहा है, पूरी तरह से स्किन डेड की तरह हो गई है, फैट पूरी तरह से जमने लगा है, क्योंकि जहाँ पर भी ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, फैट के ऊपर फैट चढ़ने लगेगा और वजन आपका तेजी से बढ़ेगा। तो ये क्या है, जब आप मसाज करोगे तो ऑयल बहुत तेजी से अंदर जाएगा, हीट करेगा। उसके बाद मैंने एक रैपिंग भी आपको बताई है कि किस तरह से वो, चाहे आर्म्स का फैट हो, चाहे बैली फैट हो, चाहे आपका थाइस फैट हो, बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर आपके फैट है, तो ये उसको बहुत तेजी से गलाएगा। और जब आप रैपिंग प्रोसेस करेंगे तो ऑयल जो है पूरी तरह से एब्जॉर्ब होके अंदर रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी से होगा और आपका फैट मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जिन भी लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो छोटी सी बेल आइकन लगी है उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट पा सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। ऑयल को बनाने के लिए आपको एक पैन लेना है, और इस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको जो प्योर मस्टर्ड ऑयल मिल जाए। मार्केट में इजिली अवेलेबल होता है मस्टर्ड ऑयल, अगर आपको प्योर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो आप सरसों का तेल इसमें डालिए। मैं 1 से 1.5 महीने के लिए बना के रख लेती हूँ, तो मुझे काफ़ी ईजी रहता है। तो इसमें आपको मान के चलिए 1 कप के लगभग सरसों का तेल चाहिए। तो सरसों का तेल डालूंगी, इसे आपको गरम करना है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे पैराशूट या किसी भी कंपनी का आपको नारियल तेल लेना है। बोल चलिए 5 to 6 टेबल स्पून आपको वो लेना है। मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, और मैं अंदाजा आपको इसलिए नहीं बता रही क्योंकि मैं बनाती रहती हूँ, तो मुझे आइडिया रहता है कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद हमें इसमें डालना है दालचीनी, यानी कि यू नो जो दालचीनी स्टिक वाला आता है, ये वाला आपको यही वाला डालना है, पाउडर मत डालिएगा, क्योंकि ये ऑयल बेस होता है तो ये ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो आपको ये डालना है इसमें 4 to 5 स्टिक। इसके बाद आपको इसे पकने देना है ऐसे ही। जब ये पकने लगे, देन उसके बाद आपको 1 टेबल स्पून इसमें अजवाइन डालनी है। और मैंने सरसों के तेल के साथ, जो मैंने इससे पहले आपको मिनिंग ऑयल बताया था, वो मैंने इस बोला भी था कि वो विंटर में इजी होके लगा सकते हैं, लेकिन समर्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। तो ये सरसों का, सॉरी, नारियल का तेल इसीलिए डाला है क्योंकि उतना ज़्यादा हीट नहीं करेगा आपकी बॉडी में, और जो नारियल तेल है वो उसकी तासीर को बिल्कुल क्या बोलते हैं कि बराबर रखेगा, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। तो इसीलिए 2 ऑयल का मैंने यूज़ किया। इससे पहले मैंने प्योर सरसों के तेल में बनाया था। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, ये सारी चीज़ें डाल के इसके बाद आपको इसमें कैम्पर यानी कपूर डालना है। सारी चीज़ों को आपको अच्छे से पका लेना है। पकाना क्या है, इट मीन्स ये पक ही गया है समझ लीजिए, क्योंकि जो है हमारा अजवाइन भी हो गई है और हमारा दालचीनी भी हो गया है और कपूर भी इसी में अभी मेल्ट हो जाएगा। देन उसके बाद आपको इसे बंद कर देना है और ढक के रख देना है जब तक ये ठंडा ना हो जाए। इसके बाद मैं बताती हूँ कि आपको नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है इसको लगाने, क्योंकि प्लेन तो नहीं लगाना है, इसको लगाने के बाद क्या करना है। साथ ही साथ एक चीज़ मैं और बताऊँगी कि आफ्टर डिलीवरी आप इस ऑयल को यूज़ करिए, सच में बहुत इफ़ेक्टिव है। और जो मैंने जादू की पोटली बताई थी वो भी इसके साथ यूज़ करिए। तो अभी मैं गैस को करती हूँ ऑफ और इसको ढक के रख दूँगी।
इसको ऐसे ही सक के मैं रख दूंगी और जब ये ठंडा हो जाएगा देन मैं आप लोग को बताऊंगी कि क्या करना है आपको। तो यहाँ पर ये अभी पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है, लेकिन मुझे वीडियो बनाना था तो मैं आप लोगों के साथ मैं दिखाती हूँ। तो मैं इसमें थोड़ा सा ले रही हूँ, आप इसे स्ट्रेन कर लीजिएगा। और मान के चलिए ऐसे ठंडा होने में आपको भी 1 से 1.5 घंटा लगेगा क्योंकि गर्मियाँ हैं। तो स्ट्रेन करके आप इसे बॉटल में भर सकते हैं, फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं, ईजी होकर बाहर रख सकते हैं और छान के रखिएगा। मैं अभी इसे ऐसे ही ले रही हूँ, मैंने थोड़ा सा और ले लिया है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस दिखाती हूँ कि मैं क्या करूँगी। नेक्स्ट प्रोसेस में आपको इस तरह की जो पॉलीथीन रैप आती है आप ये ले लीजिए, या फिर कॉटन का कोई भी कपड़ा ले लीजिए। मैं हमेशा 2 ऑप्शन आपको देती हूँ, जो अफोर्ड कर सकते हैं और जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आप अपने लोअर का जो स्ट्रेचबल कपड़ा आता है वो ले लीजिए या फिर ये ले लीजिए। मेरे पास ये अवेलेबल था तो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, इस ऑयल को लेना है और आप अपने पेट के एरिया पे, आर्म्स के एरिया पे, थाइस के एरिया पे, जहाँ भी आपको लगता है कि आपके फैट है, ये आपको लगाना है। 2 से 3 मिनट तक आपको मसाज करनी है ताकि जो भी एज अ सेलुलाइट जो भी वहाँ पे जमा है ये उसे अच्छे से रब करेंगे। और सेलुलाइट इसलिए जमता है क्योंकि जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन हमारा नहीं होता, जहाँ पे ब्लड नहीं बहुत अच्छे से दौरान होता है, वहाँ पे सेलुलाइट जम जाता है और आपको फैट दिखाई देने लगता है। तो इस तरह से आपको रब करना है ताकि जो भी ऑयल है वो अंदर जाए, वहाँ पे गर्माहट आए और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो चलना स्टार्ट हो। मैं अभी रब नहीं कर रही हूँ, उसके बाद जब भी लगाइए रब करिए। मैं पेट के एरिया के लिए से यूज़ करती हूँ। आपको ये इसी तरह आपको कपड़े के साथ भी करना है और इस तरह से खूब टाइटली, मतलब कि ये ध्यान रखिएगा कि चाहे कपड़ा आप ले और चाहे जो भी, खूब टाइटली आपको इस तरह से इसे रैप करना है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको इसे पूरी तरह ऐसे ही रैप करके छोड़ देना है। इससे क्या होगा, जो ऑयल है वो इधर उधर नहीं जाएगा और जो ऑयल है वहीं पे एब्जॉर्ब होके पूरा अंदर चला जाएगा। और ऐसा आपको 15 दिन करना है, उसके बाद आप देखिएगा वहाँ का जो सेलुलाइट है वो चला गया, ब्लड सर्कुलेशन तेज हो गया है, स्किन टाइट हो गई है और फैट भी कम हुआ है। गाइस आपको मेरा ये ऑयल पसंद आया होगा, एक बार बना के जरूर ट्राई करिएगा, उसके बाद आप मुझे बोलेंगे थैंक यू सुगम, क्योंकि ये सेलुलाइट को पूरी तरह से गला देता है, ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरह से बहुत तेजी से कर देता है। मैंने इसमें नारियल तेल इसलिए भी डाला है क्योंकि ये जो मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है उसकी तासीर को पूरी तरह से बैलेंस कर दे, बिल्कुल भी हीट, मतलब हीट करे लेकिन उतना ज्यादा हीट ना करे क्योंकि ऑलरेडी समर्स चल रहे हैं। और चैनल पसंद आया हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो भर के लाइक कर दीजिएगा, चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।